आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो लेट अस लुक एट द स्टेटमेंट्स जो हमें दी गई हैं। द नॉर्मल ई कोलाई सेल कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन एंड कैनामाइसिन। दिस इज अ टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि नॉर्मल ई कोलाई इज नॉट रेजिस्टेंट टू एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स, बट अ जेनेटिकली मॉडिफाइड इज, जिसमें हमने इंसर्ट किए हों प्लाज्मिड या उसका जीन ऑल्टर कर रखा हो। मोस्टली इन केसेस में यूज होता है जिसमें प्लाज्मिड जैसे PBR322 इंसर्ट किया हो या जीन ऑल्टर किया हो। नॉर्मल ई कोलाई इज नॉट रेजिस्टेंट टू एनी ऑफ द एंटीबायोटिक्स। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, सेपरेटेड DNA फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग द DNA, विच इज अ वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, यू कैन सी प्योर DNA फ्रैगमेंट्स इन द विजिबल लाइट विदाउट स्टेनिंग, विच इज रॉन्ग। उसको पहले एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट किया जाता है, फिर इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन किया जाता है एंड यूवी लाइट के अंडर ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ लिखा है विजिबल लाइट एंड दैट इज विदाउट स्टेनिंग, तो दोनों ही चीज़ें इसे रॉन्ग बना देती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है बोथ 1 and 3। सो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट इवेल्युएट करना था, सो दैट इज बोथ 1 and 3। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।